कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे पहली बार देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये संबोधन कोरोना के पहले लहर के 8 बजे जैसा नहीं होगा, क्योंकि पहले लहर में 8 बजे पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन क्योंकि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को संबोधित करने वाले हैं, उसमें अभी ऐसी बात ना होके उससे कुछ उलट देशवासियों को बड़ी राहत देने की घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देशवासियों को कोरोना और लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान के प्रति बड़ी राहत पैकेज देकर भरपाई करना चाहते हैं। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ एक ओर मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योगपतियों को, छोटे ई रिक्शा, रिक्शा और थ्री व्हीलर चालकों को काफ़ी ज़्यादा राहत पैकेज देने की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इमरजेंसी लोन अप्रूवल के बारे में भी घोषणा कर सकते हैं, जिसमें मुद्रा योजना जैसे ही कोई एक लोन योजना हो सकता है। जी हां, आज शाम प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के संबोधन को सुनने के लिए पूरे देश के लोग अभी से इंतजार करना शुरू कर दिए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं। कोरोना और लॉकडाउन से राहत के लिए खुशखबरी देंगे, या फिर जैसे कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें एक कड़वी दवाई की ज़रूरत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को कड़वी दवाई देने वाले हैं। और इन दोनों पहलुओं के बीच लोगों में ये असमंजस है, वो बेसब्री से जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर क्या बोलने वाले हैं। इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव स्पीच देख सकेंगे।